नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। समस्तीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हाँ, आपको बता दें कि बीजेपी नेता और उनके भतीजे पर हमला मामले में समस्तीपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर 6 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए सभी आरोपियों पर पहले से भी कई संगीन मामले दर्ज थे और पुलिस को उनकी तलाश थी। समस्तीपुर एसपी विकास वर्मन ने बताया कि शहर से सटे रेलवे क्रॉसिंग के पास एक व्यवसायी की दुकान पर तोड़फोड़ और लूटपाट करने के बाद व्यवसायी को बुरी तरह जख्मी कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंचे पीड़ित बीजेपी नेता अरुण राय पर भी असामाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल कायम होने के साथ घटना की जो गूंज है वो पटना में भी सुनाई देने लगी थी। मामले को बढ़ता देख इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। दरभंगा के आईजी अजिताभ कुमार ने खुद घटनास्थल का जायजा लेकर के अपराधियों को जल्द पकड़ने की बात कही थी। और एक बार फिर से आपको बता दें कि उनकी जो ये कोशिश थी ये कामयाब हो गई और 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नियुक्ति की गई है जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाए। सर, गोली की घटना भी जो आई थी सुनने को मिली थी, क्या सर उसमें क्या गोली चली है? हाँ, उसमें कुछ खोखा भी बरामद हुआ है और पुलिस के द्वारा जिसको जब्त विधिवत जब्त कराया गया है। इन अपराधियों के पास से कितने हथियार मिले? अभी हथियार इनके पास से बरामद नहीं हुआ है। ये जो हथियार आप देख रहे हैं दूसरे घटना से संबंधित है। तो अब हम लोग अब दूसरी घटना के बाद अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेसर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।